Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. The Grammar Tree, Book 7, Chapter 3, Adjectives. Kind of adjectives we have discussed in the last video, and today we are going to do an exercise related to it, given on page number 13. This is exercise B, and we have to identify the adjectives in the following sentences and state their kind. Okay? First, we have to figure out what are the adjectives given in these sentences, and then we are going to find out their types. This town has withstood many fierce battles. This town. Do you remember? When there is a word demonstrative before a noun, this is an adjective. ठीक है? तो यहाँ पर this would work as an demonstrative adjective. This town has withstood many fierce battles. तो ये battles हमारे पास again noun है, तो ये fierce क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वालिटेटिव. क्यू एल आई यूज फॉर क्वालिटेटिव, और QN हम यूज करेंगे क्वान्टिटेटिव के लिए. ठीक है? तो बैटल्स, कैसी बैटल्स, ये हमें बता रहे हैं स्टेट या मैनर कि किस तरह की बैटल्स थी, किस तरह की जंगें थी. तो बहुत ही फियर्स थी, खतरनाक सी थी. और मैनी, मैनी भी हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पास नाउन से पहले आया है और क्वान्टिटी बता रहा है. तो दिस इज क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव. आई राइट एवरी डे इन माई लिटिल ब्लू डायरी. तो डायरी से पहले हमारे पास लिटिल और ब्लू आया. अच्छा बच्चों, लिटिल का जो वर्ड है ना, वैसे तो ये यूज होता है क्वान्टिटेटिव के लिए, क्योंकि ये क्वान्टिटी बता रहा होता है कि हाउ मच या हाउ मैनी के लिए यूज हो रहा होता है आंसर देने के लिए. बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एज क्वान्टिटी यूज नहीं हुआ, बल्कि क्या बात हो रही है कि मेरी छोटी सी एक डायरी है, उसके अंदर मैं रोजाना लिखता हूँ. कितनी डायरी है ये, इसका तो जवाब नहीं है ना. तो अगर हाँ हमारे पास कोई सेंटेंस इस तरह से हो, फॉर एग्जांपल शी पेज अ लिटिल अटेंशन, तो वहां पर अटेंशन नाउन से पहले जो लिटिल आया है, तो ये हमें क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितनी अटेंशन दे रही है. थोड़ी सी दे रही है, ज्यादा नहीं दे रही. ठीक है? वहां पर कम ज्यादा की बात हो रही है, यहां पर कम ज्यादा की बात नहीं हो रही. यहां पर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो डायरी मेरे पास छोटी सी है, ठीक है, बड़ी नहीं है. तो अब ये क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, ये एज अ क्वालिटी ही होगा. और ब्लू क्या है, कलर है, तो कलर, साइज, शेप कौन बता रहा होता है? क्वालिटेटिव. तो ये बोथ यहाँ पर क्वालिटेटिव का काम करेंगे. आई एम सॉरी, आई हैव नो मनी. मनी क्या है हमारे पास? नाउन है. उससे पहले जो ये नो आ गया है, ये क्वांटिटी को बताने के लिए आ गया है. तो ये नो हमारे पास यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम करेगा. ठीक है? कि मेरे पास कुछ भी मनी नहीं है. सम मनी या मच मनी, तो ये क्या है, हाउ मच की बात के जवाब में हमने नो कहा है, तो ये क्वांटिटेटिव हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा. विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर? बैंड मेंबर इज अ नाउन, और ये विच से पहले आया है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा. द नेव मैन बिलीव्ड द स्टोरी. नेव मैन, ठीक है, कैसा आदमी था, डिस्क्राइब कर रहा है नेव मैन को, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव हो जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज. मुझे ये वाले जूते नहीं चाहिए. शूज नाउन से पहले दीज का वर्ड आ गया, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. वेरी गुड. दिस पैलेस वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी. दिस पैलेस, ये वाला जो पैलेस है, पैलेस नाउन है, नाउन से पहले दिस आया है, तो अगेन दिस इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. 19th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में, तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, 19th क्वांटिटेटिव. ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, ऑर्डिनल नंबर्स आपके पास क्वांटिटी के अंदर आते हैं. इसी तरह से जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्वांटिटेटिव में आते हैं, वो आपको नंबर्स बता रहे होते हैं. मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है, उससे पहले पाकिस्तानी आ गया, तो अगेन ये प्रॉपर हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा. और फिर मैनी की बात करें तो यहाँ पर ये हमें क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा. आर एनरोल्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, तो अमेरिकन भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर एडजेक्टिव है. ठीक है? क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन से फॉर्म हुआ है, अमेरिका से अमेरिकन. किसी भी प्लेस से रिलेटेड जो नाउन्स एडजेक्टिव्स फॉर्म होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है? इट वॉज ग्लोरियस डे, तो ये डे को एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ग्लोरियस वर्ड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. विद अ क्लियर ब्लू स्काई, अगेन क्लियर ब्लू क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है. There is little sense, थोड़ा सा sense है, कम है. ठीक है? तो ये क्या हो गया, quantitative
ठीक है, सेंस क्या है, नाउन है, इन वॉट वॉज बींग सजेस्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल से सारी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको डिस्क्राइब की हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर अभी वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।